दिल्ली में 5 फरवरी तक चुनाव प्रचार में जुटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार में जुटेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से वाद विवाद और संवाद करेंगे, साथ ही जनसंपर्क भी करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के कई दिग्गज दिल्ली चुनाव में प्रचार में सक्रिय रहेंगे। तो सीएम के साथ साथ उत्तराखंड के बीजेपी के जो कई दिग्गज हैं वो भी इस चुनाव अभियान में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक बड़ा तबका रहता है जिसको पॉइंट करने की बीजेपी की यह रणनीति है, जिसके तहत उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के चुनावी मैदान में 5 तारीख तक उतरेंगे। तो वहीं जैसा कि आपको पता होगा उत्तराखंड के सीएम आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई जनसभाएं की हैं और उनकी जनसभाएं लगातार जारी रहेंगी। तो इसी बीच अब उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से वाद विवाद और संवाद करेंगे। तो हमारे संवाददाता अमित दुबे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। तो अमित, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यक्रम है कैसे कैसे और कहां है? देखिए, कल से सीएम जो है वो दिल्ली में रैली कर रहे हैं और कल उनकी 3 रैलियां थी, चांदनी चौक में थी, मॉडल टाउन में थी और मॉडल टाउन मिला के कल 3 रैलियां थी और आज भी उनकी 3 रैलियां रखी गई है। उनके साथ ही 1 तारीख से लेके और 5 तारीख तक उनके कार्यक्रम है, तो यानी 5 तारीख तक जो है वो दिल्ली में लगातार उनकी रैलियां हैं, कई नुक्कड़ सभाएं हैं जिन्हें वो संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ उत्तराखंड के जो 5 सांसद हैं, चाहे वो अजय भट्ट की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें, या तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं उनकी बात करें, सभी सांसद मौजूद हैं। कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया गया है, मदन कौशिक, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज पहले से ही दिल्ली के चुनावी मैदान में और जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड की लगभग 30 सीटें हैं जहां पे दिल्ली की 30 सीटें लगभग हैं जहां पे उत्तराखंड का प्रभाव और उत्तराखंड से जुड़े लोग जो है वहां पे रह रहे हैं। सभी जगहों पे उत्तराखंड के मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम लगाए गए हैं। जी अमित, अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तराखंड के बड़े बड़े चेहरे दिल्ली के रणभूमि में उतरे हैं, इसकी वजह क्या मानी जा सकती है? देखिए, बीजेपी की पहले से रणनीति रही है, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य जो स्टार प्रचारक है, उन लोगों को भी दिल्ली बुलाया गया है। और बीजेपी का लक्ष्य है 1 दिन में 750 जनसभाएं करने का। जनसभा में रैली भी हो सकती है, जनसभा भी हो सकती है, नुक्कड़ सभा भी हो सकती है, लोगों से मिलने का कार्यक्रम जो 50-60 की टुकड़ियों में है वो भी शामिल है। तो दिन भर में 750 जनसभाएं होनी है और इसके लिए पूरे देश भर के नेताओं को यहाँ पे जुटाया गया है, जो कि सभी नेता जो है अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और इसी क्रम में जो है वो उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड के सभी सांसद और ज्यादातर कैबिनेट मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को लगाया गया है और 5 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर सीएम के कार्यक्रम की बात करें तो रोज 2 से 3 रैलियां जो है वो उत्तराखंड सीएम की दिल्ली में रखी गई है, जबकि 3 से 4 रैलियां जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की रखी गई है, चाहे वो सतपाल महाराज हो, मदन कौशिक हो, धन सिंह रावत हो, और इसी के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत जिनकी मैं बात कर रहा था उनकी भी 2 से 3 रैलियां डेली रखी गई है और जो अन्य सांसद है उनकी भी कई नुक्कड़ सभाएं यहाँ पे रखी गई। तो बीजेपी का एजेंडा है कि कैसे लोगों को समझाए, केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाए, उत्तराखंड में जिस तरह से विकास हो रहा है वो सारी चीजें जो है वो उत्तराखंड के लोगों को सामने करें और बीजेपी की किस तरह से वो बीजेपी को वोट दे, क्योंकि अभी तक जो सर्वे आया उसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी से लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है और ये बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, चाहे वो किसी प्रदेश से रिलेटेड हो, सब देश भर के नेताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। जी अमित, अगर बात करें इतने बड़े दिग्गज जब रणभूमि में उतरे हैं तो क्या ये दिग्गज मतदाताओं के मन पर खरे उतर पा रहे हैं? देखिए, रिसेंटली जो सर्वे आया है उसमें बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, यहाँ तक कि सीटों का भी अनुमान जो है वो बढ़ा है और भी 6 तारीख तक चुनाव प्रचार होना, 6 तारीख बहुत दूर है, उस बीच बीजेपी जो है खास तौर पे दिल्ली के लोगों को कितना लुभा पाती है देखना होगा और यही वजह है कि जो वोटर है दिल्ली के जिसके तहत वो
बीजेपी को समर्थन दे सकते, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, उन सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और उन्हीं के लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे, यानी उत्तराखंड के बाहुल्य जो इलाके हैं दिल्ली के, वहां पे उत्तराखंड के लोग जा रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसका असर आने वाले चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।